राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे गहमागहमी के बीच आज तीन राज्यों की 15 सीटों पर जारी सुगबुगाहटों पर विराम लगने वाला है। ये तीन राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान शुरू हो गया है। तीनों ही राज्य में क्रॉस वोटिंग का संशय बना हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक को लेकर के सस्पेंस है। दरअसल 15 राज्य में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें से 12 राज्यों में 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं इस दौरान सपा को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल सपा MLA मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनोज पांडे BJP के संपर्क में हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि दयाशंकर सिंह ने मनोज को फोन पर CM योगी से बात भी कराई है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक सपा MLA अभय सिंह और राकेश पांडे एक साथ वोट करने जा रहे हैं। दोनों BJP के फेवर में क्रॉस वोट डाल सकते हैं। विनोद चतुर्वेदी के साथ 2 और सपा विधायक मौजूद हैं। सपा के कालपी MLA विनोद चतुर्वेदी भी BJP उम्मीदवार को वोट देंगे। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस भी हुई है। धोखे की बात करते हुए समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितेशी नहीं। अखिलेश जी ने कहा अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। तो धोखा किससे उम्मीद है? क्या नहीं, वो तो जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं वो धोखा कर रहे हैं ना। आप लोगों को भी डर सता रहा है क्या? नहीं, कोई डर नहीं सता रहा। हमें सत्ता नहीं है, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे मतलब 8 का 8 जीतेंगे हम। हाँ तो जनता देख रही है, सत्ता का दुरुपयोग देख रही जनता। वहीं सपा से अलग होने के बाद यूपी की 10 राज्यसभा सीटों को लेकर हो रहे मतदान में जयंत चौधरी की पार्टी RLD के सभी 9 विधायकों ने एक साथ BJP को वोट दिया।